अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी जवेद सिद्दीकी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सबसे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज मैं आप लोगों के साथ AI वॉइस ओवर टूल्स शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैं पर्सनली खुद भी यूज़ करती हूँ अपनी डिफरेंट वीडियोज़ के लिए, इवन अपनी एनिमेटेड वीडियोज़ के लिए भी यूज़ करती हूँ। क्लाइंट्स के लिए जो मैं वीडियोज़ बनाती हूँ उनमें मैं AI वॉइस ओवर जो है वो यूज़ करती हूँ। और आप लोग भी जो है जो अपने चैनल्स के लिए वॉइस ओवर्स चाहते हैं या डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए, आप इन वॉइस ओवर टूल्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये रेज होता है, बहुत सारे लोग इस चीज़ में कन्फ्यूज होते हैं कि AI वॉइस ओवर्स जिन चैनल में जिन वीडियोस में जो है यूज़ की जाती हैं वो चैनल्स मोनेटाइज नहीं होते हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, आप लोगों के चैनल्स बिल्कुल मोनेटाइज होते हैं और कोई जो है कॉपीराइट का इशू नहीं होता, कोई चैनल बैन नहीं होते। अगर किसी को चैनल बैन होता भी है तो उसकी रीज़न वहाँ पे मेंशन होती है। सो डोंट वरी अबाउट द वॉइस ओवर, वॉइस ओवर की वजह से कभी भी कोई चैनल बैन नहीं होता। मैं जो यूज़ करती हूँ वो पेड टूल है और इतना एक्सपेंसिव नहीं है, आप दो बंदे जो है मिलकर एक टूल को परचेज कर सकते हैं। जो मैं यूज़ करती हूँ दैट इज़ राउंड अबाउट 10,000 rupees फॉर द लाइफ टाइम। मतलब एक बार बस आप इसको परचेज कर लें, आप इसको फॉर द लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं, कोई मंथली कोई ईयरली इसका जो है आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। और मैं अपने फ्रेंड के साथ जो है इसको यूज़ कर रही हूँ, मुझे परचेज करना था और वो ऑलरेडी मेरा फ्रेंड जो वो यूज़ कर रहा था, तो मैंने उसको जो है कुछ पेमेंट कर दी और अब हम दोनों जो है वो मिलकर इस टूल को यूज़ करते हैं। तो आप लोग भी इस तरह से एक दो बंदे जो है वो मिलकर यूज़ कर सकते हैं। और इसका ये है कि वॉइस ओवर्स भी हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में हैं और मेल फीमेल्स की आपको वॉइस जो है वो मिल जाती है। अब ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म से मैं आपको स्क्रीन पर जाके बताती हूँ, सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। गूगल पे आप लिखेंगे ब्लास्टर ऑनलाइन या फिर ब्लास्टर सुइट, तो आपके सामने ये टूल की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। मैं ऑलरेडी इसमें लॉगिन हूँ क्योंकि मैं ये टूल जो है पर्सनली अपनी वीडियोस के लिए यूज़ करती हूँ। इसको यूज़ करना बहुत इजी है, इसमें यहाँ पे इसकी सारी लैंग्वेजेस शो हो रही हैं, इंग्लिश US, इंग्लिश आयरलैंड, इंडियन इंग्लिश, इंग्लिश ब्रिटिश, डच, चाइनीज़, अरबिक और कैनेडियन, इटालियन, जापनीज़, कोरियन, सारी की सारी लैंग्वेजेस यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं जो हूँ इसमें अभी फ़िलहाल हम लोग यूज़ करते हैं इंग्लिश US, और यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जो है फीमेल मेल किड्स की जो है वो वॉइस यहाँ पे मौजूद हैं। अब मोस्टली जो मैं यूज़ करती हूँ वो यूज़ करती हूँ ग्रेस की, यहाँ पे जो ग्रेस फीमेल है मैं इसकी यूज़ करती हूँ। और इसका यूज़ करने का वे ये है कि यहाँ पे जो है टेक्स्ट को जस्ट एंटर करना होता है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने टेक्स्ट को कॉपी किया हुआ है ChatGPT से और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ये एक शॉर्ट स्टोरी है और अभी इसको मैं जो है आपको जनरेट करके बताती हूँ। यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन है, आप इसको डायरेक्ट जनरेट भी कर सकते हैं या आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करें और ये थोड़ा सा प्रीव्यू जो है वो भी शो हो जाएगा। Once upon a time, in a far away land, there was a little mouse named Mickey. This is a preview. ये एक प्रीव्यू है जिससे आप जो है डिफरेंट वॉइसेस को यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सी वॉइस जो है वो किस क्वालिटी की है और किस तरह की है। और अगर आप श्योर हो तो आप यहाँ से जनरेट करेंगे तो यहाँ से वॉइस जो है यहाँ पे आ जाएगी, उसके बाद यू कैन डाउनलोड इट। ये सारी जो है वॉइसेस मैंने अपनी वीडियोज़ के लिए बनाई हुई हैं और मैं इनको यूज़ करती हूँ। यहाँ से आप देख लें कि कितने ज़्यादा वॉइसेस जो हैं वो मैंने बनाई हैं अपनी वीडियोज़ के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनको नेचुरल वॉइस नहीं चाहिए होती है, उनको AI वॉइस चाहिए होती है। सेकंड नंबर पे है wellsetabs.com, ये आपने गूगल पे टाइप करना है और आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आपने लॉगिन हो जाना है। मैं अब इसका 7 days फ्री ट्रायल जो है वो यूज़ कर रही हूँ आपको बताने के लिए। अब यहाँ पर ये इसका इंटरफेस है, कुछ ज़्यादा इसमें ऑप्शन है नहीं, सिंपल प्रोजेक्ट स्टूडियो और प्रोनाउंसिएशन और कुछ ट्यूटोरियल्स हैं और अकाउंट है यहाँ पर। अब आपने सबसे पहले यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है, उसके बाद प्रोजेक्ट को आपने कोई भी नेम दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने अपना ही चले नेम दे दिया और यहाँ पे ये नेम दे दिया और क्रिएट प्रोजेक्ट। अब इसमें आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे अब आपके सामने ब्लॉक शो हो रहा है, कुछ आपके सामने कुछ और ऑप्शंस हैं जैसे प्रोनाउंसिएशन है, रेंडर ऑप्शंस है, रिसेंटली यूज्ड रेंडर्स ऑप्शंस हैं और CR अवतार्स है। अब सबसे पहले तो आपने यहाँ पे जो कोई भी आपका जो पैराग्राफ है या आपका स्क्रिप्ट है आपने उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे वही पैराग्राफ यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने आपको पहली वेबसाइट पे भी शो करके दिखाया था। अब यहाँ पे आपने जाना है, CR अवतार्स पे क्लिक करना है
अब आपके सामने बहुत सारे जो है वो ऑप्शंस हैं, इनमें से आप देखिए जैसे ये है इंग्लिश यूएस, और ये मेल की ज़ाहिर पिक्चर से ही नज़र आ रहा है कि ये मेल की वॉइस है, ये फीमेल की वॉइस है, इंग्लिश यूएस का एक्सेंट है, यहाँ पे जो है यूके एक्सेंट भी मैंने, अब ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन, ए यू मीन्स ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश का भी एक्सेंट है, यहाँ पे इंग्लिश यूके का भी एक्सेंट है, आपको जो जिस तरह का एक्सेंट चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। अब मैं यहाँ से इनको प्ले करके आपको दिखाती हूँ कि इनकी वॉइसेस किस तरह से हैं। Trust your gut, don't overthink it, and allow yourself a little room to play. Trust your gut, don't overthink it, and allow yourself a little room to play. Your creative life will evolve in ways that you can't possibly imagine. Trust your gut, don't overthink it, and allow. ये आप लोगों के सामने डिफरेंट एक्सेंट्स में और डिफरेंट जो है वॉइसेस के साथ आपने देख लिया। अब इसमें से आपको जो भी यू वांट टू चूज़ एनी वन, चले हम इसी को ही ले लेते हैं, और यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से ये जो है जनरेट हो रही है, यहाँ से अब ये जो है क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इसको प्ले करके आपको दिखाती हूँ। Once upon a time, in a faraway land, there was a little mouse named Mickey. Mickey lived in a cozy mouse hole with his family. बहुत प्रोफेशनल वॉइसेज हैं इनकी, आप इनको अपने चैनल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, और आपके चैनल्स जो हैं वो मोनेटाइज्ड भी होंगे। और यहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी, और अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं तो आप अपग्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ प्लान्स हैं इनके, जो कि मंथली प्लान्स हैं, और अगर आप ईयरली चाहते हैं तो ईयरली भी प्लान्स इनके हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव है ये, लेकिन ये है कि वॉइस काफ़ी प्रोफेशनल है, बट इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क कि आपका काम किस तरह का है। नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है दैट इज़ Lovo.ai, आप गूगल पे लिखेंगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब ये भी हम वेबसाइट देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस हैं और इसके फीचर्स किस तरह के हैं। यहाँ पे है स्टार्ट नाउ फॉर फ्री, स्टार्ट में आप इसको जो है फ्री में यूज़ कर सकते हैं। इस टूल के जो फीचर्स हैं उसमें एक्सप्रेशंस भी हैं, मीन्स कि अगर जो भी आप वॉइस ओवर यूज़ करना चाहते हैं आप उसके एक्सप्रेशंस भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अमेज्ड और स्लीपी, हैप्पी, इस तरह के एक्सप्रेशंस भी आप चेंज कर सकते हैं। अब स्क्रॉल डाउन करके इसके कुछ और फीचर्स जो हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी इनके फीचर्स हैं, यहाँ पे इनके कुछ सैम्पल्स जो हैं वो शो हो रहे हैं, और ये एक बॉक्स सा बना हुआ है टेक्स्ट का जहाँ पे हम लोग एक टेक्स्ट जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वही जो है स्क्रिप्ट को जो है पेस्ट कर दिया जो कि मैंने लास्ट वेबसाइट में यूज़ किया था। ये वॉइस ऑलरेडी सेलेक्टेड है। Once upon a time, in a faraway land, there was a little mouse named Mickey. Mickey lived in a cozy mouse hole with his family. अब इसको भी जो है देख लेते हैं कि फीमेल की वॉइस किस तरह की है। यहाँ पे इस पर मैंने क्लिक किया और लिसन। Once upon a time, in a faraway land, there was a little mouse named Mickey. Mickey lived in a cozy mouse hole with his family. He loved to explore new places and make new friends. Are you looking? अब इस पर क्लिक करके और इसकी भी वॉइस सुन लेते हैं। Once upon a time, in a faraway land, there was a little mouse named Mickey. अब इसकी भी प्राइसिंग जो है वो देख लेते हैं। ये इनके प्लान्स हैं जो कि आप थोड़ा सा विजिट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मंथली और ईयरली जो है ये कितना चार्ज कर रहे हैं। अब ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी वॉइसेस आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए। आप अगर ह्यूमन वॉइस यूज़ करते हैं तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ता है, एक एक वीडियो के लिए आप $5, $10, $20 पे करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप $19 भी देख लेते हैं, लेट सपोज़ अगर आप ये वाला बेसिक भी परचेज़ करते हैं जो कि मंथली $19 है, तो ये आपको बहुत चीप पड़ता है। तो इस तरह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके इनकी AI वॉइस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कि बहुत सारे लोग जो है वॉइस ओवर की वजह से बड़े कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही थी कौन सा प्रोफेशनल जो है टूल जो है वो हमें कहाँ से मिल सकता है। वैसे इस तरह के और भी बहुत सारे जो टूल्स हैं वो आ रहे हैं मार्केट में, लेकिन जो थोड़े बहुत प्रोफेशनल है या जो मैंने पर्सनली मैंने जिसको यूज़ किया है, सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर लूँ। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।